केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार बिहार पहुंचे। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का राजगीर कैंपस राष्ट्र को समर्पित किया है। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, अरलिंगकर के साथ ही 17 देशों के राजदूत और नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री पहली बार प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का अवलोकन भी करते हुए नजर आए। इस मौके पर आइए जान लेते हैं क्या है नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवमय इतिहास। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों ना, आलम और दा की संधि से बना हुआ है। इनका अर्थ ही है ज्ञान रूपी उपहार पर किसी तरह का प्रतिबंध ना रखना। इसी उद्देश्य से बिहार के राजगीर में आज से कई 100 साल पहले सन 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तब यह भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया भर में प्रसिद्ध केंद्र था। अपनी स्थापना के बाद लगभग 700-800 सालों तक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय देश दुनिया में ज्ञान की अलख जगाता रहा। शिक्षा के इस मंदिर को महान सम्राट हर्षवर्धन के साथ ही पाल शासकों का भी संरक्षण मिलता रहा। दरअसल इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ये था कि ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान हो जहां ज्ञान भी मिले। बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने कई बार नालंदा की यात्रा की और यहां पर ध्यान भी लगाया था। मठ की तर्ज पर बना यह विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोप की सबसे पुरानी बोलोंगन यूनिवर्सिटी से भी 500 साल से ज़्यादा पुरानी थी। तक्षशिला के बाद नालंदा को ही दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। आवासीय सुविधा वाला ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों से पता चलता है कि ये स्थापत्य काल का एक अद्भुत नमूना था। इसमें 300 कमरे और 7 बड़े बड़े कक्ष थे। इसमें काफ़ी बड़ा पुस्तकालय था जिसका नाम धर्मगुंज था, जिसका मतलब है सत्य का पर्वत। 9 मंजिला इस पुस्तकालय में 3 हिस्से थे जिन्हें रतन रंजक, रत्नोधि और रत्न सागर नामों से जाना जाता था। यहाँ पर एक समय में 3 लाख से ज़्यादा किताबें होती थीं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास सबसे पहले चीन के यात्री हेन सॉन्ग और ई सिंह ने खोजा था। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन मेरिट के जरिए होता था और उनका रहना, खाना और पढ़ाई सब कुछ निःशुल्क होती थी। एक समय में यहाँ 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई करते थे जिनके लिए 2,700 से ज़्यादा अध्यापक नियुक्त रहते थे। यहाँ भारत के अलावा कोरिया, जापान, तिब्बत, चीन, ईरान, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई अन्य देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ साहित्य, ज्योतिष शास्त्र, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कानून, विज्ञान, युद्ध कौशल, इतिहास, गणित, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमी, मेडिसिन समेत कई विषयों की पढ़ाई होती थी। इससे पूर्व छात्रों में इतिहास की कई हस्तियां शामिल हैं जिनमें महान सम्राट हर्षवर्धन, पाल वंश के शासक धर्मपाल, बसबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद और नागार्जुन के नाम शामिल हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास सबसे पहले चीन के यात्री हेवन सॉन्ग और इति सिंह ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत के दौरे पर आए थे और अपने देश लौटने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा। इन दोनों चीनी यात्रियों ने नालंदा को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। इस विश्वविद्यालय की खासियत थी कि यहाँ पर सभी काम लोकतांत्रिक प्रणाली से होता था। हर फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था जिसके लिए सन्यासियों के साथ शिक्षक और छात्र भी अपने विचार रखते थे। इतिहास के जानकार बताते हैं कि साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और यहाँ पर आग लगवा दी थी। तब नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखी किताबें ही कई सप्ताह तक जलती रहीं और आग नहीं बुझ पाई थी। इस आक्रमण के दौरान नालंदा में काम करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों से पता चलता है कि पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा था। इसमें प्रवेश के लिए एक मेन गेट था। इसके भीतर उत्तर से दक्षिण की ओर कतार में मठ थे और उनके सामने कई भव्य स्तूप और मंदिर बनाए गए थे। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं जो नष्ट हो चुकी हैं। खास बात यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त हिंदू थे, फिर भी नालंदा में बौद्ध धर्म को परिश्रय मिला था। बिहार में पटना से करीब 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर
दक्षिण में आज भी इस प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर पाए जाते हैं। राजगीर जिले में स्थित इस विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष इतने चौड़े हैं कि इन पर एक ट्रक तक चल सकता है। वैसे खुदाई में यहाँ 1.5 लाख वर्ग फुट में नालंदा विश्वविद्यालय के निशान मिले हैं, पर माना जाता है कि ये पूरे विश्वविद्यालय का केवल 10% हिस्सा ही है। अब नालंदा की तर्ज पर ही राजगीर में नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना 25 नवंबर 2010 को हो गई थी। इससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के फिर से उद्धार का प्रस्ताव तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने साल 2006 में बिहार की विधानसभा में रखा था। साल 2016 में ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है।